हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर इफ एल्स इफ के बारे में। सो गाइस, अगर आपको सी लैंग्वेज में ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जहां पे कई सारी कंडीशंस हो और एक समय में कोई एक कंडीशन एक्सिक्यूट करना हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं लेटर इफ एल्स इफ को। पहली कंडीशन को हमेशा इफ के साथ यूज किया जाता है और लास्ट कंडीशन को एल्स के साथ। इसके बाद जो भी इसके बीच में कंडीशंस होंगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल्स इफ के साथ। कुछ इस तरह से इसको हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास जो पहली कंडीशन है उसके लिए इफ यूज करेंगे, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगा तो जो बॉडी इफ का वो एक्सिक्यूट करेगा, राइट। इसके बाद सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज करेंगे एल्स इफ को। यहां पे कोई कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा सो इसकी बॉडी एक्सिक्यूट कर जाएगी, और जो लास्ट कंडीशन है उसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल्स के साथ, बॉडी ऑफ एल्स। ओके, सो यहां पे जो पहली कंडीशन है हमेशा इफ के साथ यूज होगा, जो लास्ट कंडीशन है वो एल्स के साथ यूज होगा, और इसके बीच में जो भी कंडीशंस होगा वो बेसिकली एल्स इफ के साथ यूज होगा। अगर एक कंडीशन और भी होती तो मैं यहां पे फिर एक एल्स इफ लगाता। ओके, इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले मैं अपने पूरे कंटेंट को रिमूव कर देता हूं। अब मैं जाता हूं मेन के अंदर, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी एच नाम का, मैसेज देते हैं सुप्रिंट ऑफ इंटर द चॉइस, स्कैन ऑफ परसेंट डी, एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम यहां पे सी एच को रीड कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहां पे देता हूं सबसे पहली कंडीशन इफ के साथ, इफ सी एच इक्वल इक्वल वन। अगर सी एच की वैल्यू वन होगी तो यहां पे प्रिंट होगा वन। उसी तरह से मैं देता हूं यहां पे सेकंड कंडीशन एल्स इफ, अगर सी एच की वैल्यू टू होगा सो प्रिंट होगा टू। एल्स इफ एक कंडीशन और देते हैं, अगर सी एच की वैल्यू थ्री होगा सो प्रिंट होगा थ्री। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट करेगा, और एल्स में हम दे देते हैं यहां पे रॉन्ग चॉइस। कंपाइल कराते हैं इसको, कोई मिस्टेक नहीं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा इंटर द चॉइस, और मैं यहां पे सी एच की वैल्यू टाइप कर देता हूं वन। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, अगर कोई भी एक कंडीशन एक्सिक्यूट करेगी तो उसके बाद की कोई कंडीशन एक्सिक्यूट नहीं करती है। जैसे यहां पे सी एच की वैल्यू वन मैच कर जाएगी, ये वन को प्रिंट करेगा, इसके बाद कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, ऑटोमेटिक गेट सी एच पे आ जाएगा। ये देखिए, फिर से चेक करते हैं। अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं टू तो सबसे पहले ये पहले इफ को चेक करेगा, पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन मैच करेगा तो एक्सिक्यूट करेगा, नहीं तो फिर अगले कंडीशन पे आएगा। ये देखिए, क्या सी एच की वैल्यू टू है क्या? यस, यहां पे टू एक्सिक्यूट कर जाएगा, राइट। एक कंडीशन लोग थ्री के साथ चेक करते हैं, मैं टाइप करता हूं थ्री तो पहले ये पहले कंडीशन को चेक करेगा इफ में, नहीं मैच किया, सेकंड कंडीशन पे आएगा, क्या सी एच की वैल्यू टू है क्या? नहीं। थर्ड कंडीशन पे आएगा, क्या सी एच की वैल्यू थ्री है क्या? यस, ये मैच करेगा और थ्री को प्रिंट कर देगा, करेक्ट। अगर गाइस मैं यहां पे कोई दूसरी वैल्यू दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे टाइप करता हूं 12, ऐसा हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो उस केस में ऑटोमेटिक एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट कर जाएगा, करेक्ट गाइस। सो ये हमारे पास था लेटर इफ एल्स इफ। सो गाइस, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।